सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं बेगम पुल से लेकर और मोदी प्रमुख डिपो जो बनाया जा रहा है मेरठ के अंदर, आज उसे लेके चलेंगे। तो देख सकते हैं, यह है बेगम पुल की तस्वीर है, क्योंकि बेगम पुल का जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड होने वाला, तो यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं। अंडरग्राउंड स्टेशन का ही काम चल रहा है इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये मिक्सचर प्लांट है, आपको बता दूँ बेगम पुल पे ही। और जैसे ही हम आगे चलेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा वैशाली का बस स्टैंड, जो कि आगे देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। तो देख सकते हैं तस्वीरें, ये है वैशाली का बस स्टैंड, तस्वीरें देख सकते हैं आगे, और इसके बगल में ही बनाया जा रहा है स्टेशन। ये देख सकते हैं, ये वैशाली का स्टेशन बनाया जा रहा है बेगम पुल वैशाली का, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और आगे वैशाली का जो बस स्टैंड है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, जो आगे आगे स्टेशन आने वाले हैं वो आप लोगों को देखने मिले। तो ये है वैशाली का स्टेशन, वैशाली का बस स्टैंड है ये मेरठ का दोस्तों। तस्वीर आप देख सकते हो। ऐसे ही हम निकलते हुए चलेंगे, MES कॉलोनी का स्टेशन आएगा, फिर उसके बाद में दौरली का आएगा, दौरली के बाद में आएगा मोदीपुरम का, और लास्ट में जाकर फिर आएगा मोदीपुरम डिपो, जो कि बिल्कुल लास्ट में है, एंड में है मोदी नगर के, मेरठ के लास्ट में है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो यहाँ से हम निकलते हुए, और आप लोगों को अब यहाँ पर ये आ गई है लेफ्ट हैंड पे, पहले थी राइट हैंड पे, अब लेफ्ट हैंड पे आ चुकी है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अभी अंडरग्राउंड काम ही चल रहा है, MES कॉलोनी का स्टेशन है, उस पर वर्क चल रहा है, नीचे अंडरग्राउंड है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और आगे फिर पड़ेगा आपका दौरली का स्टेशन RRTS का। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ, और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपडेट्स तो मैं देता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हो कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को प्रतापपुर से लेकर और मेरठ सेंट्रल तक का, और सेकंड वीडियो में इस वीडियो में दिखाने वाला हूं मैं आप सभी को बेगम पुल से लेकर और मोदीपुरम डिपो तक लेकर चलेंगे आप लोगों को। तो आज इसी पे ही तो तस्वीरें आप लोग देखेंगे कि मेरठ के अंदर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का दोस्तों। और आपको बता दूं कि जो ये योजना है, ये इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो लागत है वो है 30,274 करोड़ रुपए, और ये 82 किलोमीटर का रूट है, जिसमें से 12 किलोमीटर का रूट अंडरग्राउंड है और 70 किलोमीटर का रूट ये पिलर का, जो आपको बता दूं एलिवेटेड पार्ट है पिलर पे बनाया गया है। 70 किलोमीटर का पार्ट आपको बता दूं दोस्तों पिलर पे देखने के लिए मिलेगा। और आपको बता दूं जो रैपिड रेल चलाई जानी है वो चलाई जानी है 180 किलोमीटर की रफ्तार से गई। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से अब राइट में फिर आ चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाता है दोस्तों। MES स्टेशन के बाद में ये एलिवेटेड हो जाता है वो दोस्तों, देख सकते हैं 6 किलोमीटर का पार्ट आनंद विहार में और 6 किलोमीटर का पार्ट मेरठ के अंदर है, अंडरग्राउंड जो पार्ट है, तो दो जगह इसमें एलिवेटेड पार्ट है 12 किलोमीटर का दोस्तों। बाकी 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों ये एलिवेटेड आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि अभी कहीं कहीं पिलर बना लिए जा चुके हैं, कहीं कहीं पिलर का फाउंडेशन बनाया जा रहा है, कहीं कहीं फाउंडेशन बना लिया जा चुका है, पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, तो अभी यही वर्क चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो यहाँ पर ये स्टेशन बनाया जा रहा है दौरली का गई, ये देख सकते हैं ये दौरली का स्टेशन है, यहाँ पर RRTS का बनाया जा रहा है दोनों साइड में। तो अभी पिलर का ही काम, अभी पिलर ही बनाए जा रहे हैं और एक दूसरे से पिलर कनेक्ट किया जा रहा है,
फिर इनके बाद में इन पर बीम रखा जाएगा, बीम डालने के बाद में फिर इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पर मेरठ के अंदर तो बहुत मंदा काम चल रहा है, ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चल रहा है, जो वर्क चल रहा है वो प्रायोरिटी सेक्शन में ही पैकेज फर्स्ट में ही वर्क चल रहा है तेजी के साथ में, जो RRTS बनाई जा रही है उस पर प्रायोरिटी सेक्शन पे, उसकी तो मैं अपडेट आप लोगों को देता ही रहता हूँ। तो देख सकते यहाँ पर ये पिलर कैप बनाने का काम चल रहा है, तेजी से बनाया जा रहा है और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, जो कि लॉन्चर लगाया जा रहा है। तो लॉन्चर अब ये खड़ा किया जा रहा है, वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये फाउंडेशन बनाकर और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है ऊपर। तो कहीं कहीं पिलर तो ये खड़े कर दिए गए हैं, कहीं कहीं तो पिलर कंप्लीट हो गए, कहीं कहीं अभी फाउंडेशन बना के, और देख सकते हैं पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। इन पर अभी रिंग लगाए जाने और रिंग लग जाने के बाद में कंक्रीट भर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में पिलर कैप का काम किया जाएगा, उसके बाद में फिर उसका लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है दोस्तों। कनेक्ट हो जाने के बाद में फिर इस पर आपको बता दूं कि पैराफिट बॉल लगाने का काम चलेगा, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे उसके, और उसके बाद में फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा, ट्रैक फ्लैट डाले जाएंगे, फिर ट्रैक बिछाया जाएगा। फिर आपको बता दूँ ये जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे के ऊपर ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा, पहले तो ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में वायरिंग लगा। तो देख सकते हैं ये लॉन्चर का सामान पड़ा हुआ, लॉन्चर यहाँ पर स्टैंड किया जा रहा है, देख सकते हैं। अब दौड़ने के स्टेशन से पहले ये यहाँ पर लॉन्चर को स्टैंड किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं ये लॉन्चर इस तरीके से खड़ा किया जाता है। तो इसके पाया ये खड़े कर दिए गए और ये लॉन्चर स्टैंड किया जा रहा है, और लॉन्चर स्टैंड हो जाने के बाद फिर ये एक प्लर से दूसरे प्लर को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो अभी तो कम से कम इसमें एक महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को महीने दो महीने पहले, तो तब इतना कुछ वर्क कम्प्लीट नहीं हुआ था, तब भी इतना ही था। आज के डेट में आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा, आज भी ये वर्क ऐसे चल रहा है, क्योंकि बहुत स्लो वर्क यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली सबको लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हमारे वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में को रिश्तेदार में जहाँ पर भी आपको शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि आप लोगों को भी देखने के लिए मिले, समझने के लिए मिले कि मेरठ से और दिल्ली का जो सफ़र तय करना है वो आपको बता दीजिए, एक घंटे के भीतर भीतर आपको मेरठ से और दिल्ली पहुँच जाऊँ, जो कि अभी 4-5 घंटे का वक्त लगता है मेरठ पहुँचने, क्योंकि इतना जाम रहता है। इसी वजह से उसको मद्देनज़र रखते हुए, इसी वजह से ही ये हमारे देश में, हमारे भारत में पहली बार RRTS ये नई परियोजना आई है दोस्तों, नई। तो देख सकते हैं अभी सारे पिलर का फाउंडेशन अभी बनाया जा रहा है, कंक्रीट बना दिया जा चुका है, पिलर का जो फाउंडेशन है वो कंप्लीट जो क्लियर उठा दिया गया है। देख सकते हैं ये पिलर का फाउंडेशन, आप लोगों को पिलर फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है, देख सकते हैं। तो अभी कहीं कहीं पिलर तो बन चुके हैं जैसा मैंने बताया, कहीं कहीं बाकी रह गए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। और ऐसे ही वीडियो देखो के चैनल पर, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मेरे चैनल। देख सकते हैं ये प्लग कैप बनाने का वर्क चल रहा है, और आप आगे आगे आने वाला है और भी का स्टेशन RRTS का, वो भी उस पर भी देखेंगे कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, इस पर कितना है बाकी, वो आप लोग देखेंगे आगे। तो ऐसे ही अपडेट को देखने के लिए और मुझे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताया करो कि अपडेट कैसे लगते हैं हमारे चैनल के, अगर अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो देख सकते हैं ये है दौड़ली के स्टेशन, ये यहाँ पर दौड़ली के स्टेशन बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं अभी दोनों साइड में ही ये पिलर बनाए जा रहे हैं, देख सकते हैं, मतलब कि तीनों साइड में पिलर बन रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर है ना एलिवेटर, तो इस वजह से देख सकते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को जो कौन कौन लेवल का काम है उसे जोड़ने का वर्क चल रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से।
एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि बीम डाला जा रहा है इसमें। इस पर कौन कोच लेवल का ही काम अभी चल रहा है, तो ये पिलर पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुके थे, लेकिन अब इन पर सेटरिंग बिठा दी जा चुकी है। ये है दौरली का स्टेशन, अब आगे आएगा मोदीपुरम का स्टेशन दोस्तों। अब मोदीपुरम का स्टेशन निकलने के बाद में फिर आएगा लास्ट में मोदीपुरम का डिपो गाइड, तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, तो आप लोग इंजॉय करो ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर। दोस्तों देख सकते हैं कि ये अभी ये वाला पिलर बचा हुआ है जिस पर अभी पिलर कैप का काम किया जाएगा और इधर फाउंडेशन बनाया जाएगा, और ये आपको चमक रहा है फ्लाईओवर। ये आपको बता दूं मेरठ बाईपास है जो मुजफ्फरनगर के लिए निकलेगा, तो इसके ही बगल में ये राइट में बिल्कुल सीधे आगे जाकर ये कर्व ले लेगी, ये लेफ्ट हैंड पर पहुँच जाएगी दोस्तों। तो चलो हम चलते हैं इस पर बाईपास पर, ये देख सकते हैं ये बाईपास है मेरठ का। अभी तो हम मेरठ सिटी के अंदर से आ रहे थे, अब चलेंगे ये हाईवे पे दोस्तों। देख सकते हैं ये बाईपास है मेरठ का, और पिलर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पिलर बना दिए जा चुके हैं, इन पर सेटरिंग लगा दी जा चुकी है कुछ पे, और दे अब ये आ जाती है इधर, अब ये लेफ्ट हैंड पर आ जाती है, अभी राइट हैंड पर थी, अब ये लेफ्ट हैंड पर आ जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है मोदीपुरम का डिपो जो बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पिलर का फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है ऊपर, और ये पिलर पहले ही खड़े कर दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी इनमें कंक्रीट नहीं भरा गया है। और आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो मोदीपुरम का ये डिपो बनाया जा रहा है इस पर कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है, वो भी आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो अभी ये पिलर अभी बनाए जा रहे हैं, और ये पिलर बन जाने के बाद में सब कुछ इन पर कौन कुछ लेवल के अभी इसमें बीम डाले जाएंगे, बीम डालने के बाद में फिर इन पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, फिर उन पर फ्लोरिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद में सेकंड फ्लोर के लिए काम किया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि अभी पिलर बनाए जा रहे हैं, और जैसी ज़मीन होती है उसी तरीके से ये नीचे ज़मीन के अंदर पिलर बनाए जाते हैं। तो इनके अंदर अभी चार पिलर ज़मीन के अंदर हैं, फिर उसके बाद में फाउंडेशन बना कर जब एक पिलर ऊपर खड़ा किया जाता है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अभी दिखाएंगे आने वाला है। तो देख सकते हैं ये पिलर एक दूसरे से कनेक्ट किए जा रहे हैं कौन कौन से लेवल के। तो यहाँ से हम निकलते हुए आगे आप लोगों को ले कर चलेंगे, तो देख सकते हैं ये NCRTC का ऑफिस आ जाता है यहाँ पर, ये बिल्डिंग ये NCRTC की बिल्डिंग है दोस्तों, देख सकते हो वो मोटे मोटे अक्षरों से लिखा हुआ भी है NCRTC। तो यहाँ से ये निकलते हुए और ये रैपिड रेल इधर ही आके खड़ी होगी। तो आपको बता दूँ कि बहुत सारे पिलर नीचे ज़मीन में गाड़े जाते हैं, यानी कि किसी पर 5, किसी पर 6, किसी में 8, किसी में 3, किसी में 2, इस तरीके से पाइल किया जाता है ज़मीन के अंदर। तो जैसा ज़मीन होता है उसी तरीके से इसमें नीचे ज़मीन के अंदर पाइल भी किया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और यहाँ पर ये सारे में ही अभी जितने में आप लोगों को ये NCRTC के जो सेफ्टी बोर्ड देखने के लिए मिलेगा वहाँ तक इस पर RRTS का वर्क चल रहा है, देख सकते हैं इस पर सारे में ही ये बनाया जाएगा, और भविष्य में इसको आगे भी हरिद्वार तक ले जाया जाएगा दोस्तों।
तो इसी वजह से ये हाईवे के किनारे ये बनाई गई है रैपिड रेल का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा देख सकते हैं। ये पायल मशीन यहाँ पर एंड हो जाता है इसका। और अब आप तस्वीरें देख सकते हो क्योंकि मैं ऊपर खड़ा हूँ फ्लाईओवर के, और फ्लाईओवर के नीचे से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पाइल किया जाता है, फिर इसका फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर फाउंडेशन बना कर फिर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है ऊपर। तो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी अच्छी है। तो यहाँ पर ये ज़मीन के अंदर दो पाइल किए गए हैं, दो पिलर नीचे हैं, देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर दो ही पिलर हैं, इन दो ही पिलर के ऊपर फाउंडेशन बनाया जाएगा, फिर इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा ऊपर, जैसा कि ये किया गया। और देखो रिंग ये रखे हुए हैं नीचे, और इन पर ये रिंग लगाने का काम चल रहा है। रिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा। कंक्रीट भर देने के बाद में फिर इस पर पियर कैप लगाया जाएगा। पियर कैप लग जाने के बाद में दोस्तों फिर इस पर लॉन्चर के द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ दोस्तों, कि ताकि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये ज़मीन में तीन पाइल किए गए हैं, अभी इनको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा। फाउंडेशन बना कर फिर इस पर पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर। उसके बाद में फिर इसमें रिंग डाले जाएंगे। रिंग डालने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, फिर पिलर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें लास्ट में जाकर इस पर पिलर कैपिंग का काम किया जाएगा। तो यही है नज़ारा, देख सकते हैं। और आप लोगों ने अभी यह पीछे देखा होगा, वो है मोदीपुरम का स्टेशन, मोदीपुरम का डिपो। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या पिलर हैं, यहाँ पर ये पाँच पिलर हैं नीचे ज़मीन के, पांच पिलर नीचे हैं ज़मीन के, फिर उसके बाद में इन पर फाउंडेशन बनाया जाएगा जब जाके एक पिलर ऊपर खड़ा होगा। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, पांच पिलर हैं और पांच पिलर ज़मीन के अंदर हैं, फिर इसके बाद में एक पिलर ऊपर खड़ा किया जाएगा मजबूती के साथ में, क्योंकि इस पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर जब ट्रेन दौड़ेगी रैपिड रेल, तो क्या नज़ारा होगा। देख सकते हो आप लोग, सोच सकते हो कि कितनी मजबूती के साथ में ये पिलर बनाए जाते हैं दोस्तों, देख सकते हो। और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जो यमुना के किनारे किनारे जा रहा है, उस पर ज़मीन के अंदर आठ पिलर का पाइल किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं पाँच हैं, इसमें इस फाउंडेशन में पाँच हैं दोस्तों, इसमें पाँच पिलर हैं नीचे ज़मीन के, फिर उसके बाद में एक पिलर ऊपर खड़ा किया जाएगा इन पर। तो देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ में काम किया जाता है। ये मेरठ सिटी के अंदर चला जाता है यहाँ से दोस्तों, देखिए। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं।